जो ये मोबाइल फोन आया है रेडमी का नोट 10 4G मोबाइल फोन है। और इस मोबाइल फोन में दिक्कत है कि इस मोबाइल फोन में FRP लॉक लगा है। अगर आप लोग देखेंगे तो इस मोबाइल फोन में FRP लॉक लगा है। इस FRP लॉक को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे और इसको हटाने का तरीका क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमको पीछे का बैग खोलना पड़ता है। अच्छा, बैग खोलने का हमारा रीजन क्या रहता है? बैग हम लोग इसलिए खोलते हैं क्योंकि इसके पीछे ईडीएल पॉइंट दिया होता है। क्या दिया होता है? ईडीएल पॉइंट होता है। उस ईडीएल पॉइंट के माध्यम से हमारा मोबाइल फोन क्या होता है, कनेक्ट होगा। तो इसलिए हमको पीछे का बैग खोलना पड़ जाता है। बैग खोलने से पहले आप लोग देख लेंगे कि ये बैग प्लास्टिक का है। इसके लिए आप ग्लू रिमूवर का इस्तेमाल करेंगे। ग्लू रिमूवर समझ लीजिए, देखिए कैसा काम करता है। इसको ले लेंगे जब आप इसमें लगाएंगे ना, तो ये इसको क्या कर देता है, कट कर देता है। ये आराम से आपका खुल गया। अब इसको खोलने के लिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, इसका पीछे का प्लास्टिक ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक खोलेंगे तभी अंदर ईडीएल पॉइंट निकलेगा। ये फोन के अंदर FRP लॉक लगा है। FRP लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है, फोन को कनेक्ट कराना पड़ता है। कैसे तोड़ेंगे मैं पूरा आपको वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। इसको ड्राइवर दीजिए जरा। ये मोबाइल फोन को हम लोग खोलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे। इसके बाद पीछे का बैग ओपन कर लेंगे। है ये है ना, ये आराम से चारों तरफ से इसको फ्रेम खोल लेंगे। इसके फिंगर पत्ता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये नहीं कि खोल के एकदम से चट्टा से खोल दिया पूरा। देखो कैमरे को लेंस के रूप में लगा दिया, देखो दो स्क्रू छुपा हुआ है। गलती करेंगे चटपट टूटा टट जाएगा। ये आपके पीछे का बैग खुल गया। अब देखिए पीछे बैग खोलने के बाद बैटरी हटाया, फोन बंद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बैटरी हटा दिया, ये देखो ईडीएल पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि हमने गूगल पे देखा था। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसे गूगल पे देखा था, तो गूगल पे देखने के बाद ये हमने ये देखा, ये ईडीएल पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये दो पॉइंट है ना, अगर इसी सेम बोर्ड में देखेंगे तो ये दो पॉइंट है, मतलब बैटरी में MB पत्ता, दो ईडीएल पॉइंट, फिर पत्ता। तो ये दो ईडीएल पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करके डाटा केबल लगाना है, फट से हमारा फ़ोन क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर। डिवाइस मैनेजर क्यों खोलेंगे, क्योंकि डिवाइस मैनेजर से हमको पता चलता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन क्या होगा, कनेक्ट हुआ। जब तक हमारा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा तब तक हम लोग रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। अब कोई टाइप सी का केबल दीजिए जरा। उसके बाद
TDL पॉइंट को शॉर्ट करेंगे और डाटा केबल लगाएंगे। इधर देखिए पास में दिखाइए जरा कैसे शॉर्ट करते हैं, दोनों पिन को शॉर्ट किया, डाटा केबल लगाएं। ये देखिए आपका मैसेज आया फोन कनेक्ट हो गया, देखिए फोन कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी भी देखो येलो कलर का ट्रायंगल आया। येलो कलर का ट्रायंगल आने का मतलब होता है फिर हमको वही काम करना पड़ेगा, मैनुअली ड्राइवर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अपडेट ड्राइवर में गए, ब्राउज में किया, लेट्स पिक में किया, ये कह रहा पहले से ये देखो दिया हुआ है ना, इसे लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ये डिटेक्ट कर लेता तो ठीक है, नहीं डिटेक्ट करेगा तो फिर मैनुअली सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमारे कंप्यूटर से मोबाइल फोन का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट होगा तभी इसमें आगे की वर्किंग स्टार्ट होगी, नहीं तो आगे की वर्किंग नहीं स्टार्ट होगी। ये देखिए कनेक्ट हुआ, क्लोज करेंगे और हम लोग अपने अभी अननोन डिवाइस लिख करके आ रहा है, मतलब फेल्ड हो गया, कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। फिर से दोबारा कनेक्ट करते हैं, बैटरी हटाते हैं, ADL को लिया, अभी येलो कलर का ट्रायंगल आया, फिर गए अपडेट ड्राइवर में, गए ब्राउज में किया, लेट्स पिक में किया, नीचे वाला तो ले चुके थे, एक बार हम लोग ऊपर वाला भी लेके देख लेते हैं, क्लोज। अब देखो कनेक्ट है, हट गया ना येलो कलर का ट्रायंगल, हट गया। हम लोग क्या करेंगे, अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में रीड एंड टूल में जाएंगे, यहाँ पर जा करके पहले हमने आपको बता दिया कि MI कंपनी का करने के लिए आपको कोई भी मॉडल वॉडल लेने की जरूरत नहीं, क्वालिकॉम, और एनी मॉडल ले लेंगे। उसके बाद आप क्या कर देंगे, रीसेट FRP कर देंगे, क्या कर देंगे, ओके। जैसे आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर चलेगा, फोन कनेक्ट हो गया, ऑपरेशन रन होने के बाद फिर आगे चलेगा, पूरा डिटेल आएगा, MMC डिटेक्टिंग चिप, मतलब MMC को रीड करेगा। ऑथराइज डिटेक्टिंग चिप, मतलब MMC क्या है, डिटेक्टिंग चिप स्टोरेज टाइप का मतलब होता है MMC IC, ये MMC IC को यहाँ पर रीड करेगा। ये कह रहा है भाई देखो UFS लगा है, 64 GB का लगा हुआ है, ये पूरा डिटेल लेके रीसेट FRP, डन, लिख गया डन, मतलब लॉक टूट गया, FRP खत्म। अब आप हटाएंगे इसको, ये हमारा मोबाइल फोन दोबारा चालू हो चुका है। चालू होने के बाद फिर जहां पर FRP का ऑप्शन आ रहा था वहां पर FRP ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्किप हो जाएगा तो मतलब आपका FRP टूट गया। तो ये हम लोगों ने लाइव प्रैक्टिकल किया कि मतलब हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में अगर इसको अगर आप बाईपास करते तो बाईपास करने में बहुत सारा समय लगता होता भी या नहीं होता, अगर नई सिक्योरिटी तो बहुत कैसेशन ऐसे होते हैं जो बाईपास नहीं होता है। अगर इसका मोबाइल फोन में FRP तोड़वाने के लिए अगर आप मार्केट में जाते हो तो कम से कम आपसे 200-250-300 रुपये मांगता, 150 रुपये। हम लोग क्या करेंगे, ठीक। अभी सिस्टम से क्या हो गया, FRP टूट गया और ये पूरा मोबाइल फोन फ्रेश नया हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि Redmi Note 10 4G मोबाइल फोन आया था, उस मोबाइल फोन में FRP लॉक को हम लोगों ने कैसे हटाया, ये पूरा मोबाइल फोन आपका फर्स्ट क्लास चलने लगा, FRP हट गया। ये डोंगल के माध्यम से हम लोग बड़ा बहुत आसान होता है, वन क्लिक के साथ में मोबाइल फोन को हम लोग क्या कर सकते हैं, FRP को हटा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने Redmi के मोबाइल फोन को, Redmi तो छोड़ो Redmi कोई मोबाइल फोन ही नहीं, हम लोगों ने क्वालिकॉम मोबाइल फोन को किसको रिपेयर किया है, क्वालिकॉम के। तो ये जो अपना जो टूल होता है
ये क्वालिकॉम को रिपेयर करता है, ये एमआई ओप्पो वीवो रियलमी को नहीं जानता, ये सीपीयू को जानता है। सीपीयू को मतलब चिपसेट जो इसको कंपनी ने बनाया है। अच्छा, हमने कैसे पहचाना चिप कौन सा है? तो हम लोगों ने जीएसएम अरिना से देखा, गूगल से देखा कि इसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है, और जब क्वालिकॉम सीपीयू लगा तो उसको कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि एडीएल पॉइंट होता है, या तो प्लस माइनस से होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्लास में ओप्पो का मोबाइल फोन का पैटर्न को रीड करके भी देखा, उसमें प्लस माइनस से कनेक्ट हो रहा था, और इसमें किससे कनेक्ट हुआ? ईडीएल पॉइंट से कनेक्ट हुआ। ईडीएल पॉइंट से कनेक्ट होने का मतलब है फोन हमारा कनेक्ट हो गया, पोर्ट बना लिया। अच्छा, पोर्ट बनाते समय येलो कलर के ट्रायंगल भी आ रहा था, तो येलो कलर के ट्रायंगल का मतलब क्या है कि वो ड्राइवर प्रॉपर मैच नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने उसको प्रॉपर उसको ड्राइवर दिया, कनेक्ट हो गया। अगर प्रॉपर कनेक्ट ना होता तो उसको हम करते तो उसमें रेंज चेक एरर का मैसेज आता। क्या मैसेज आता? रेंज चेक एरर, ऐसा मैसेज आता। तो समझ लीजिए कि हमारा ड्राइवर मैच नहीं कर रहा, मिसमैच है, या तो दोबारा ड्राइवर को डालिए या ड्राइवर को मैनुअली डालिए। ठीक, मैनुअली ड्राइवर को लोड किया, फोन कनेक्ट किया और रीसेट कर दिया, एफआरपी हमारा क्या हो गया? टूट गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एफआरपी को हटाया है। आज की वीडियो में इतना ही। ये सारा वीडियो हम क्लास में दौरान जो बच्चों के मोबाइल फ़ोन आते हैं या मार्केट से मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि इस वीडियो को देख करके आप ये समझोगे कि सर ने कैसे कैसे तोड़ा, कि पहला स्टेप क्या है, फ़ोन कैसे पहचानना है, दूसरा बात सीपीयू पता चल जाएगा तो ईडीएल पॉइंट कैसे ढूंढना है, ईडीएल पॉइंट जब पता चल जाएगा तो उसको कनेक्ट कैसे करना है, और कनेक्ट करने के बाद फिर आपको करना क्या है, कैसे मॉडल को सिलेक्ट करना है। जो ये सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस आपके दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी काम को करने बैठ जाते हैं, सीख तो जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में प्रॉब्लम ये आती है कि तरीका भूल जाते हैं। जैसे भाई गाड़ी चलाने के लिए बैठे, तो गाड़ी चलाने का बैठने का मतलब क्या होता है? जो चलाने वाला होता है पहले चाबी पकड़ेगा, काहे कि उसको स्टार्ट करना है, और जो ना चलाने वाला उसके पास चाबी हो चाहे ना, वो बैठ जाएगा, स्टेयरिंग पहले पकड़ लेगा, स्टेयरिंग से इतनी ना चलेगी। तो मतलब आपको उसको चलाने का सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर सीक्वेंस पता है तो आपको काम करने में सही रहेगा, आपसे काम होगा और आपको काम करने में अच्छा भी लगेगा। और इसी सब चीज़ों को सीक्वेंस को पता करना ही हमारी क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है। यही हमको सीखना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।